हम लोग का व्यवस्था देख सकते हो यहाँ पे बड़ा है। आज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो बॉय के एंड आई एम बैक विद अनदर VLOG। सो गाइज आज है रिपब्लिक डे, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और गाइज हम लोग जाने वाले हैं मेरे कॉलेज जहाँ पे मैं अभी DMLT कर रहा हूँ। सो गाइज वहाँ जाएंगे और वहाँ झंडा फहराया जाएगा गाइज, और आपको मैं यहाँ का आज रिपब्लिक डे कैसे मनाया जाता है वो अगर दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर दिखा पाऊंगा तो। सो गाइज हम लोग यहाँ पे इंट्रो कर रहे हैं, ये जगह है गाइज पुराना बस स्टैंड, और यहाँ से हम लोग वीडियो का शुरुआत करेंगे गाइज। और देख सकते हो ये पुराना बस स्टैंड है, यहाँ से हम लोग जाएंगे गाइज आगे, और देखते हैं गाइज वीडियो में क्या होता है, बने रहिएगा वीडियो में। सो मिलते हैं, हम लोग निकलने वाले हैं, चलो चलते हैं गाइज कॉलेज की तरफ। सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी चौक जैसे कि देख सकते हो आप लोग, और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे गाइज अपने कॉलेज की तरफ। जो हमारा कॉलेज है वो कालीघाट से थोड़ा सा आगे है गाइज, और वहीं जा रहे हैं हम लोग। सो रास्ते में देखते रहिए क्या क्या पड़ता है और वहाँ जाके क्या होता है, तो कैसा माहौल होता है मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ गाइज। और देख सकते हो कितना क्राउड है अभी गाइज, अभी बज रहा है 8:20 हो रहा है, सॉरी 8:20 हो रहा है गाइज। और देख सकते हो यहाँ का माहौल कैसा है, अभी आज गणतंत्र दिवस है तो काफी क्राउड है गाइज, काफी भीड़ है रोड में जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं अम्बेडकर चौक, पहुंच चुके हैं अम्बेडकर चौक पे गाइज। और यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे कुछ चल रहा है, अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे कैंडल लगाया गया है और झंडा फहराया जा रहा है। सो गाइज हम लोग अम्बेडकर चौक से आगे आ चुके हैं गाइज, और यहाँ से हम लोग PG कॉलेज की तरफ जाएंगे, PG ग्राउंड की तरफ जाएंगे गाइज। और यहाँ से दिखाता हूँ गाइज PG ग्राउंड में, मेनली गाइज PG ग्राउंड में काफी अच्छे तरीके से झंडा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस के दिन। सो आपको वहाँ का थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ गाइज, तो देख सकते हो गाइज हम लोग एंटर कर रहे हैं PG कॉलेज के ग्राउंड में गाइज। और यहाँ भी देख सकते हो काफी चहल पहल है, और जैसे कि आपको बताया गया 8:20 हो रहा है और काफी भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ पास से कि कैसा यहाँ का माहौल है, और देख सकते हो गाइज काफी भीड़ भड़ा के यहाँ पे हो रहा है और मेला जैसे लगता है उस टाइप का यहाँ पे लग चुका है गाइज। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिनेरियो कैसा है। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं, और तो गाइज देख सकते हो काफी भीड़ है, और इधर देख सकते हो स्कूल के लड़कियां हैं जो हैं यहाँ पे फौजी की ड्रेस में और हमारे आर्मी की ड्रेस में यहाँ पे जाते हुए देख सकते हो आप लोग। देख सकते हो गाइज यहाँ पे जाया जा रहा है और प्रोग्राम दिया जाएगा गाइज इनके द्वारा। और आगे में भी गाइज देख सकते हो अंदर में भी काफी क्राउड है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा है अंदर का माहौल। तो गाइस काफी भीड़ है यहाँ पे, और देख सकते हो एनसीसी के भी हैं और स्काउट गाइड के स्टूडेंट है वहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे परेड चलेगा गाइस। तो देख सकते हो काफी भीड़ है गाइस यहाँ पे। और तक तो काफी भीड़ भड़ाक है, और यहाँ पे देख सकते हो आगे में झांकी जैसा कुछ लगाया गया है, और आगे में गाइस दिखाऊंगा आपको, देख सकते हो यहाँ पे झांकी वाकी का तैयारी किया जा रहा है। स्कूल के स्टूडेंट है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से झांकी टाइप का कुछ बनाया गया है देख सकते हो। तो गाइस मैंने आपको इनिशियली दिखा चुका है यहाँ का कैसा सिनेरियो है, जो PG ग्राउंड है हमारे अंबिकापुर का। तो गाइस आप लोगों ने देखा, अभी अपन कॉलेज में जाएंगे। तो गाइस हम लोग PG ग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी खड़ा हुआ था, हम लोग जा रहे हैं गाइस कॉलेज अभी। और यहाँ पे मेरा दोस्त है ये कॉलेज का। सो गाइज हम लोग चलेंगे आगे और आपको दिखाता हूँ हमारे कॉलेज का व्यू कैसा है हमारे कॉलेज का। तो गाइज चलिए चलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे कॉलेज, और देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। हाँ बोलो सर। और देख सकते हो गाइज आगे में सरस्वती पूजा भी है आज, और सरस्वती पूजा भी है तो देख सकते हो आगे में वहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, और कॉलेज के काफी लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। और हम लोग गाइज अभी अभी आए हैं,
और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे YouTube का लोगो भी लग गया है। सो गाइज आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सो गाइज थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का सरस्वती पूजा कैसा होता है। गाइज जैसे कि आप लोग को बताया था कि मैं यहाँ पे सरस्वती पूजा हो रही है, तो देख सकते हो गाइज अंदर में काफी लोग हैं और यहाँ पे पूजा चल रहा है, देख सकते हो आगे में। गाइज हम लोग कॉलेज में ही प्रोग्राम होगा तो आपको देखने को मिलेगा आगे, सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज हम लोग आ गए हैं कॉलेज से, यहाँ देख सकते हो ये वाले होटल पे। गाइज हम लोग कॉलेज से आ गए हैं क्योंकि वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था और अभी टाइम है वहाँ स्टार्ट होने में और भूख भी लग रहा था गाइज। सो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लेंगे गाइज और सोच रहे हैं कहीं जाएंगे आसपास में, थोड़ा सा घूम के आते हैं गाइज जब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है। सो वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग यहाँ से लेते हैं उसके बाद वहीं आपसे मिलता हूँ मैं। पानी बोतल है ना, एक दे दीजिए ना। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गाइज, यहाँ पे पास में एक जगह है मोरपंच करके नाम है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं गाइज। और देख सकते हो यहाँ पे दोस्त लोग, यहाँ पे मुड़ना है शायद, सो आगे जा रहे हैं दोस्त लोग और हम लोग निकलने वाले हैं गाइज, मोरपंच जा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे और आगे में देखते हैं गाइज कैसा प्लेस होने वाला है। और देख सकते हो आगे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, हम लोग को पता है थोड़ा सा, मैं गया हूँ बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है अभी कि कहाँ जा रहे हैं क्योंकि एक आध बार गया हूँ आई थिंक। सो देखते हैं गाइस कैसा जगह है और वीडियो में बने रहेगा। हम लोग तो निकल चुके हैं क्योंकि आज ऐसा दिन है कि घूमने का मन कर रहा है आज हम लोग का। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ की, जिस प्लेस की मैं बात कर रहा था और हम लोग थोड़ा सा घूमने आए गाइस यहाँ पे और हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको आगे जाके उस प्लेस को दिखाऊंगा गाइस जहाँ पे हम लोग आए हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेस की, जिस जगह मैं बात कर रहा था अभी, हम लोग जहाँ पे घूमने आए हैं गाइज। और मैंने थोड़ा सा पहले अगर आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाया होगा तो दिखा दिया होगा बट मैं जिस प्लेस की बात कर रहा था गाइज, देख सकते हो ये वो प्लेस है और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आता है गाइज। देख सकते हो पूरा पहाड़ है यहाँ से लेके और ये लेक है गाइज, तालाब टाइप का कुछ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स लोग भी आ चुके हैं और हम लोग के साथ। और गाइज मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा प्लेस, बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है, मैं यहाँ से सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गाइज। सो देखते हैं कैसा है। तो गाइज हम लोग जैसे कि मैं अभी दिखाया आप लोग को ये प्लेस और हम लोग गाइज लेके आए थे, देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का व्यवस्था, देख सकते हो यहाँ पे बड़ा है और चाय है वहाँ पे एंड देख सकते हो फ्रेंड्स लोग हैं यहाँ पे। और हम लोग गाइज अभी यहाँ पे चाय वाय पियेंगे एंड थोड़ा सा मस्ती करेंगे, उसके बाद जाएंगे गाइज कॉलेज, वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ प्रोग्राम होगा कि नहीं। आई डोंट नो, मैं जा पाऊंगा तो पता चला वहाँ खत्म हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। तो कॉलेज ग्राउंड में भी आपको दिखाऊंगा अगर दिखा पाता हूं तो गाइज, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। We'll be right back.
सो गाइज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जो प्लेस है अपना देख सकते हो मोर भंज, यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और धूप भी काफ़ी तेज कर रहा है, देख सकते हो पसीना आ रहा है मेरे को गाइज। सो हम लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज। सो गाइज हम लोग मोर भंज से आ चुके हैं और अभी कॉलेज में जाएंगे गाइज, आगे कॉलेज में जाएंगे और देखते हैं क्या यहाँ का माहौल है और कैसा है गाइज। सो गाइज हम लोग चलते हैं गाइज, यहाँ पे गणतंत्र दिवस है तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे झंडा फहराया गया है और आगे में देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है गाइज, आगे में सरस्वती पूजा भी है तो आगे में बैठे हैं स्टूडेंट लोग। गाइज आप लोग देख सकते हो सामने में प्रोग्राम चालू होने वाला है और यहाँ पे देख सकते हो लड़की लोग भी तैयार होके आए हैं प्रोग्राम यहाँ पे देने के लिए। सो गाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, देख सकते एंकरिंग सब कर रहे हैं, तो गाइज वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको थोड़ा मोड़ा दिखा दूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे नारियल निकाला जा रहा है अंजलि के द्वारा, जब बहुत मेहनत कर रही है बच्ची। हाँ हाँ ये भैया है यहाँ पे राहुल भैया, तो देख सकते हो गाइज आगे में स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डांस किया जाएगा। तो ये है कौन सा ग्रुप है तुम लोग का? डीएमएलटी सेकंड ईयर। कौन सा डांस करोगे? बोल मितवा गाइज। सो गाइज हम लोग अभी डांस करेंगे, कौन से नंबर पे आप लोग का डांस है? 11 नंबर पे। इधर भी होगा क्या? इन लोग भी करेंगे आई थिंक, इधर भी तैयार हो के आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, ये सब काट दूंगा मैं। सो गाइस थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ मैं। कैसे लग रहा है, क्या बने हैं आप? सरस्वती माँ। अच्छा देंगे सरस्वती माता की। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड सरस्वती पूजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के तले वो दबा हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मद्रास समिति द्वारा तैयार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान को बनने के लिए पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। गणतंत्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें, पर हमें आज ऐसा लगता है मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात चिंतन चरित्र से हुए कहाँ स्वतंत्र है, अभी स्वदेश तंत्र उपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान। भारत माता की। ए मेरी प्यारी बहन, ए मेरी बिछड़ी
तो गाइज आप लोगों ने अभी देखा होगा प्रोग्राम, और अभी एक और प्रोग्राम चालू होने वाला है जो मैंने बताया था पहले, इंट्रोड्यूस करवाया था उनको, उनका प्रोग्राम चलने वाला है। तो गाइज एंजॉय कीजिए। धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। हमको प्यार है राजा, मेरी तेरा इंतजार है। गाइज आप लोग ने देख लिया होगा यहाँ का प्रोग्राम मेरे कॉलेज का कैसा था, और फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गाइज अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टिल देन बाय बाय, पीस।